बोले सभी को आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक अचूक प्रयोग लेकर आया हूँ जिसको मात्र आप क्षण भर में कर सकते, और जो सिद्धि करते हैं या जिनके पास सिद्धि साधनाएं नहीं हैं और जो तंत्र की जानकारी नहीं रखते हैं उन लोगों के लिए भी ये बड़ा सरल और दिव्य प्रयोग है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किसी के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाएं, या किसी का किया कराया या जादू हो, टोना हो, या किसी के चौराहा नंगा हुआ हो, या फिर किसी ने आपके घर में कुछ फेंक दिया हो, उस सारी नकारात्मक शक्तियों को अपने घर से एक बार में, या कोई मरीज है आपके घर के अंदर जो इस समस्या से पीड़ित है तो उसको आप कैसे ठीक करें। तो बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि भैया जी आप जो प्रयोग बताते हैं मुझे समझ में नहीं आते हैं, मतलब कि जो साधनाएं बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सिद्धि साधना करने में रुचि नहीं रखते हैं क्योंकि इतना वो देर तक नहीं बैठ पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक सरल प्रयोग लेकर आया हूँ, घर पर बैठ के करने वाला प्रयोग लेकर आया हूँ। इसे किसी भी उम्र का सदस्य, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी महिला कर सकती है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि आपको सामने एक हवन कुंड जलाना है, एक हवन कुंड अपना रखना है, लोहे का बना लीजिए जो मार्केट में होता है, आप उसको परचेज करके ला सकते हैं, या फिर मिट्टी का एक हवन कुंड बना सकते हैं, या फिर अगर ये सब चीज़ें संभव ना हो आप लोगों के पास तो छोटी छोटी सी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी दियालियाँ आती है, परई जिसको बोलते हैं, जिसको नंदवा बोलते हैं, आप उस पर भी हवन कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा गौर सुनिएगा, आपको करना क्या है कि आप एक गरी का गोला ले आइएगा मार्केट से, जो सूखा गरी का गोला होता है, आप उस पर हवन कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, सामने हवन कुंड लगा लिया, सामने चिराग जला लिया, एक बाजूर लगा लिया, और धूपबत्ती जलाकर अपना गुरु पूजन करके या अपने इष्ट को याद करके आप शुरू कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति है, आप उसके समक्ष उसको बैठा लिए, अपने दाएं तरफ बैठा लिए। दिशा जो रहेगी पूर्व मुख रखिएगा या उत्तर की रखिएगा, दक्षिण की मत रखिएगा। दक्षिण की रखने से आपकी उग्रता बढ़ सकती है, इसमें कि उस पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है सर। तो आपको करना क्या है, सामने आप बैठ जाइएगा, आपको हवन कुंड जलाना है। हवन कुंड में एक तरीके से जो घड़ी का गोला होता है, आप घड़ी का गोला उसमें ले लीजिए, और हवन सामग्री आप जानते ही हैं, घी आप जानते ही हैं, उसमें क्या करना है आपको कपूर डालकर जलाना है। कपूर डालकर जब जलाएंगे देखेंगे कि जो घड़ी का गोला है वो जलना चालू हो जाएगा और उसमें आग पकड़ लेगी। तो आपको फिर जो व्यक्ति पीड़ित है उसमें आपको नवा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या बहुत लोग बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे, जैसा उचित लगे, जैसा सरल लगे, तो आप चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई व्यक्ति हो, आपको 11 माला आपको जाप करना है। आपको जाप करके उस व्यक्ति का संकल्प ले लीजिएगा हाथ में कि अमुक व्यक्ति है माता, मैं इसको ठीक करने की प्रयास कर रहा हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि दिखाइए और इस व्यक्ति को इस पीड़ा से मुक्त करिए। तो सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिएगा, संकल्प वैसे ही लेना है जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। जल ले लीजिएगा और 5, 7, 11 चावल ले लीजिएगा जो टूटे ना हो, संकल्प ले लीजिएगा, और अमुक का नाम ले लीजिएगा, उसकी माता का नाम ले लीजिएगा और संकल्प छोड़ दीजिएगा, और 11 माला या फिर जाप करके और 1 माला हवन कर दीजिएगा हवन सामग्री से। उसके बाद आपको क्या करना है, काली उड़द जो आती है उसको आपको क्या करना है, फिर आखिरी में उस व्यक्ति का, उसके नाम का हवन करना है, उस व्यक्ति के नाम का। तो आपको क्या करना है, नवा मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 तो 11 बार आपने पढ़ा और उसके माथे से छुआया, और उसके बाद उस हवन कुंड में आहुति डाल दी स्वाहा लगाकर। तो ऐसा आपको 11 बार या 21 बार करना है। दोस्तों इसको करने से जो व्यक्ति के ऊपर जिस शक्ति का प्रभाव होगा, जिस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, तो वो प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ऐसा आप हर मंगलवार इतवार कर सकते हैं, जिससे कि वो धीरे 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 उसकी ऊर्जा छीण होती जाए वो नकारात्मक ऊर्जा की, और आपका जो मरीज है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो ठीक होने लगे। और आप देखते रहेंगे जैसे जैसे आप उनका हवन करते जाएंगे उस व्यक्ति की पीड़ा कम होती जाएगी और उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा एक प्रयोग मैंने आप लोगों को बहुत सरल प्रयोग दिया है, इसमें ना ज़्यादा सामग्री लगनी है, ना ज़्यादा समय लगना है। आप इसको जाप करके, हवन कर करके आराम से, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, अगर उसको नहीं समझ में आता है, केवल नवा मंत्र से ही इसकी ऊर्जा को, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है व्यक्ति के ऊपर, उसको हटा सकते हैं।
तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाया था कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मुझे स्वयं से कार्ड करनी सीखनी है और स्वयं से मुझे ठीक करना है लोगों को, क्योंकि मैं भलाई का काम करना चाहता हूँ, पर मैं सिद्धि नहीं करना चाहता हूँ कि को मुझे इतनी देर बैठना पड़े कि मैं बैठ नहीं पाता हूँ, किसी के पैर में दिक्कत होती है, किसी के रीढ़ में दिक्कत होती है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत सरल चीज़ है ये, आप लोग में से कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।